हेलो गायस सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्वेश्चन नंबर वन इज़ वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड अब यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स फूड क्यों खाते हैं क्यों हम लोग फूड खाते हैं हम लोग को फूड की क्यों ज़रूरत होती है तो हम लोग को फूड की किस लिए ज़रूरत होती है वेरियस वेरियस एक्टिविटीज़ हम लोग ताकि कर सकें सो फूड इज़ नीडेड बाई ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर मैनी पर्पसिज नंबर वन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फूड इज़ टू हेल्प इन ग्रोथ किस लिए हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए फ़ूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट्स सच एज रनिंग वॉकिंग और रेजिंग आर आम नेक्स्ट फूड इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी और किस लिए काम आता है फूड गिव्स अस रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन और साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ा बढ़ाता है फूड जिससे कि हमें किसी भी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होने पाए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंगिश बिट्वीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोफाइटिक सो अब पेरासाइट और सेप्रोफाइट में क्या डिफरेंस है हमको ये बताना है तो सेप्रोफाइट क्या होता है acquire nutrients from dead and decaying matter ये कहाँ से nutrients लेता है अपने dead and decaying matter से लेता है यानी कि dead and decaying organism से लेता है ये अपना food लेता है example fungi और parasites क्या है parasites live on or in a host and get its food at the expense of its host इसके example क्या है? roundworm roundworm ये कहाँ रहता है ये in inside the host रहता है ठीक है अब ये कहाँ से फूड लेता है ये होस्ट से फूड लेता है और उसको होस्ट को ये नुकसान भी पहुँचाता है हम लोग ने पढ़ा था जो नुकसान पहुँचा रहा है उसको हम जो होस्ट को नुकसान पहुँचा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं पैरासाइट बोलते हैं तो पैरासाइट लेव ऑन और इन द होस्ट एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम इट ना क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव अब आपको कैसे पता चलेगा कि लीव में स्टार्ट है तो कैसे पता चलेगा द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीवस कैन बी टेस्टेड बाई आयोडीन टेस्ट किससे पता चलेगा आयोडीन टेस्ट जब हम करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि लीव में स्टार्ट है और कैसे करेंगे लेट सी

ऑफ 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 द प्रोसेस सिंथेसिस फूड इन ग्रीन प्लांट्स तो फूड का सिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स का पूरा प्रोसेस यहाँ देना है तो कैसे होगा द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स अब ग्रीन प्लांट्स की लीव में क्या होता है क्लोरोफिल होता है द लीव्स यूज CO2 ओ टू एंड वाटर टू मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सन तो CO2 तो कैसे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है क्या यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर लेता है ग्रीन प्लांट्स किसके प्रेजेंस में लेता है सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और क्या देता है हमें कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन देता है तो ये जो नीचे इक्वेशन लिखा है ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए और जब ये एग्जाम में आएगा आपको ये इक्वेशन ज़रूर लिख कर आना है आंसर के साथ साथ इस इक्वेशन को भी ज़रूर लिखना है तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ठीक है अब हम आगे चलते हैं शो विद देल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लान आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो यहाँ पर आपको स्केच के जरिए आपको ये शो करना है कि प्लांट इस द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी मीन्स सन तो सोलर एनर्जी को कौन यूज़ कर रहा है ग्रीन प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहा है हर भी वोस खा रहे हैं ठीक है और हर्बी वोट्स को कौन खा रहा है कार्निवोर्स खा रहे हैं तो इस तरीके से सोलर एनर्जी वो ट्रांसफ़र हो रही है ग्रीन प्लांट से ग्रीन प्लांट से हर्बी में हर्बी से कार्निवोर्स में ठीक है और फिर उसके बाद कार्नी को कौन डिकम्पोज कर रहे हैं कर रहे हैं या ग्रीन प्लांट सड़ सड़ जाता है डायरेक्टली वो ग्राम ये सॉयल में मिक्स हो जाता है ठीक है तो उसको कौन जो है डम्पोज कर रहा है डीकम्पोजर्स अब हरबी वर्ड्स है हरबी वर्ड्स अगर ख़त्म हो गए सॉयल में मिक्स हो गए तो जो डिकम्पोजर्स का क्या काम है उसको डिकम्पोज कर रहे हैं फिर कानी वर्ड्स का क्या काम है वो हरबी वर्ड्स को खा रहे हैं और फिर आफ्टर वर्ड्स ये भी जब मर जाते हैं तो ये सॉयल में मिक्स हो जाते हैं तो इसको इसमें क्या कौन आ जाते हैं डीकम्पोजर्स आ जाते हैं तो इस तरह से जो है सोलर एनर्जी एक के बाद एक जो है ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रही है ये ट्रांसफर हो रही है ठीक है सो इन दिस वे दिस शोज दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड ठीक है आप जैसे डिकम्पोज़र से वो लग गया प्लांट्स मर गया फिर न्यू प्लांट्स निकल रहे हैं फिर उसको सोलर एनर्जी मिल रही है फिर उसको हर्बीवोर्स कानीवर्स डीकम्पोज इस तरीके से ये चेन पूरी होती ही रहती है और राइट ना क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इन द ब्लैंक्स सो नंबर वन इज ग्रीन प्लाट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथिसाइज देयर ओन फूड तो ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं ऑटो ट्रॉप्स क्यों क्यों बोलते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद सिंथिसाइज करते हैं खुद बनाते हैं ओके सो ग्रीन प्लाट्स आर कॉल्ड ऑटो ट्रॉप्स नंबर बी द फूड सिंथिसाइज बाई इज स्टोर्ड एज अब जब फूड सिंथिसाइज हुआ यानी कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा जो है ये हम वाटर यूज़ हो रहा था ठीक है फिर हमारा जो एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा था कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन तो जो है कार्बोहाइड्रेट क्या हो, जो होता है इट इट्स अ स्टार्च तो स्टार्च जो है प्लांट में एज अ फूड के फॉर्म में रहता है जो कि प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है सो द फूड सिंथिसाइज बाई इज स्टोर्ड एज स्टार्च ठीक है नेक्स्ट इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्व बाय द पिगमेंट कॉल्ड तो कौन सी पिगमेंट है जो कि फोटो सिंथेसिस एब्जॉर्व करती है कौन सी पिगमेंट कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हमारा होता है और सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व करता है तो कौन करता है क्लोरोफिल ओके द लास्ट वन इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन अपने अंदर क्या लेता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज क्या रिलीज करता है कौन सी गैस को रिलीज करता है ऑक्सीजन ओके सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस नाउ नेम द फॉलोइंग अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम तो ऐसा कौन सा पैरासिटिक प्लांट है जो कि येलो कलर का होता है सिलेंडर एज वेल एज इट इज हैविंग ट्यूबुलर स्टेम तो कौन सा पैरासिटिक प्लांट है दैट इज कस्कुटा ओके नेक्स्ट है अ प्लान दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हैटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ऐसा कौन सा प्लांट है दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लान्स इन्सेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है ऑटोट्रॉपिक वो प्लांट्स है एज वेल एज हेटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट मीन्स वो क्या इंसेक्ट्स को खाता है तो हेटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द इंसेक्ट ऑल्सो नेक्स्ट है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज तो उस पोर को हम क्या बोलते हैं स्टोमेटा मैटा ऑल राइट क्वेश्चन नंबर एट टिक द करेक्ट आंसर सो कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ कस्कुटा किसका एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉप पैरासाइट सेप्रोट्रॉप या होस्ट किसका है तो कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट ओके नंबर बी द प्लांट विथ ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इट इंसेक्ट इज अब वो प्लांट जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करता है और उसको खाता है तो so, वो कौन सा प्लांट है इज इट कस्कुटा चाइना रोज पीचर प्लांट और रोज तो विच इज द करेक्ट आंसर दैट इज पिचो प्लांट क्वेश्चन नाइन मैच द आइटम्स गिविन इन कॉलम वन विद दो इन कॉलम टू सो कॉलम वन को हमें क्या करना है वी हैव टू मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू सो नंबर वन इज क्लोरोफिल क्लोरोफिल का क्या है विच इज द राइट आंसर फॉर क्लोरोफिल लीफ क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है इज इंट इट नेक्स्ट इज नाइट्रोजन एंड विच इज द राइट आंसर अमंग दीज ऑप्शन राइजोबियम तो राइजोबियम क्या नाइट्रोजनस गैस को कन्वर्ट करता है ना तो राइजोबियम होगा देन कस्कुटा कस्कुटा किसका एग्जाम्पल है इट्स अ पैरासाइट ओके देन एनिमल्स एनिमल वॉट इज द राइट आंसर फॉर एनिमल हैट्रोड्रॉप्स ठीक है अब नेक्स्ट है इंसेक्ट्स इंसेक्ट से क्या रिलेटेड है कॉलम टू में दैट इज पिचर प्लांट ऑल राइट नाउ ट्रू एंड फॉल्स सो नंबर वन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटो सिंथिसिस तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है नहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है ना क्या रिलीज करता है ऑक्सीजन तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ओके नेक्स्ट है प्लांट्स विद सिंथिसाइज देअ फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स क्या वो प्लांट जो अपना फूड सिंथिसाइज़ करता है ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स बट सेप्रोट्रॉप इज फॉल्स सो द आंसर इज फॉल्स नेक्स्ट नंबर थ्री द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथिस इज नॉट अ प्रोटीन सो दैट इज ट्रू ठीक है प्रोटीन नहीं होता है क्या होता है प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन ओके नंबर फोर्थ इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटो सिंथिस सो दिस इज ऑल्सो ट्रू दिस स्टेटमेंट इज ट्रू तो सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में ऑल राइट क्वेश्चन इलेवन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सो विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथिस तो कौन सा पार्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है रूट स्टोमेटा लिविन्स पेटल्स सो हम लोग ने क्या पढ़ा था स्टोमेटा सो स्टोमेटा टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथसिसके क्वेश्चन ट्वेल्व चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग so here it is saying plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their uh, atmosphere se carbon dioxide leta plants roots stem flowers or leaves So, leaves. leta now the last question why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses वॉट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर्स द फार्मर्स जो हैं वो ग्रीन हाउस में ही क्यों क्रॉप वेजिटेबल क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं तो क्यों ग्रो करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज ग्रीन हाउसेस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्राम एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स अब क्या होता है ऐसा करने से कि जो क्रॉप को है एक सुटेबल टेम्परेचर मिल जाता है ठीक है और साथ ही साथ जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है उससे भी वो क्रॉप को डैमेज होने से बचाता है और इंसेक्ट से भी इवन बचाता है क्रॉप को डैमेज होने से ठीक है एंड एडवांटेजेस टू फार्मर्स वेल ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इन साइड ग्रीन हाउसेज आ अब क्या क्या एडवांटेजेस तो इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम डिजीजेस एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन तो क्रॉप को वो प्रोटेक्ट करता है किससे कर रहा है डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहा है एज वेल एज एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन जिससे बहुत रेन हो रही है बहुत हैवीट स्टार्म है तो so, इन सबसे क्या हो रहा है क्रॉप को वो प्रोटेक्ट करता है ग्रीन हाउस नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम विंड एंड रोडेंट्स और किससे कर रहा है विंडस एंड रोडेंट्स से भी इसको प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को ओके गर्ल्स तो आज के लिए इतना तो आज ये पूरा जो चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये कंप्लीट हो चुका है ठीक है अब इसका अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो उसके लिए आपको मुझसे जुड़ने जुड़े रहना पड़ेगा वो आप कैसे जुड़ेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके तो आपको वीडियो का ये चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियोज़ आपको मिल जाएगा जिसमें की भी हैं क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए और हर एक आ, ये टॉपिक का एक्सप्लेशन है तो गैस मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ अंटिल देन बाय एंड गॉड ब्लेस यू